नमस्कार, मैं हूं विकास कुमावत। मायसेल्फ डॉक्टर रवि जानेड। और आज हम केमिस्ट्री की जो सेकंड गुरु नीति है 2x45 वो देखने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट वाली जो गुरु नीति है, जो मूल कॉन्सेप्ट फर्स्ट थी, उसमें हम लोगों ने आधा पोर्शन मूल कॉन्सेप्ट का कवर कर लिया था। बाकी बचा हुआ पोर्शन सर आज हम लोग बाकी देखने जा रहे हैं। टॉपिक अपना हुआ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सेकंड। पिछले लेक्चर में हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, कवर किया था, और आज इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि गुरु नीति में हम क्या करते हैं। हमने जो है वो हर एक चैप्टर से कुछ एक क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिनको अगर आप कर लोगे ध्यान से, तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो उन क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएगा, पूरा रिविजन हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट रिविजन होगा। और नीट का कम टाइम में बढ़िया से रिविजन करने का इससे बेटर तरीका और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं हो सकता। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, तो ये आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ए कंपाउंड इज और आर इनकरेक्ट। एक कंपाउंड के बारे में कौन सा गलत, यौगिक के लिए कौन से कथन गलत है। तो पहले मैं यौगिक के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जरा कि अगर आप क्या करते हो कि भैया कोई भी अपने पास सब्सटेंस है, क्यों सर, बिल्कुल सब्सटेंस के बारे में आपने छोटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, पदार्थ के बारे में। ऐसी कोई भी चीज जो जगह घेरती हो और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो उसको पदार्थ बोलते हैं। अगर आप इसको जो है पार्टिकल्स के बेसिस पर क्लासिफाई करोगे तो दो तरीके का होता है। एक तो होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा कौन सा होता है सर, मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ जो है इसको इंग्लिश में हम प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। कई बार जो कंफ्यूजन होता है, देखना मैं आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करूंगा यहाँ से। और मिश्रण जो है वो क्या होता है, मिक्सर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस को अगेन दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अपने पास होते हैं एलिमेंट्स जिनको हम हिंदी में बोलते हैं तत्व, ठीक है, और एक अपने पास होते हैं सेकंड कंपाउंड। ठीक है, तो इन्हीं कंपाउंड के बारे में जो है वो हम बात करते जा रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो यही कंपाउंड से पूछा गया है। एलिमेंट के बारे में क्या जानते हैं सर, क्या क्या कह सकते हैं? एलिमेंट मतलब वही जो सिंपल एक टाइप का एलिमेंट हो, जैसे जिनमें केवल एक ही तरीके के एटम्स हो, एक ही तरीके के एटम्स हो मिलके बने, बिल्कुल, तो उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। देखो कई बार जो अक्सर जो है वो हम जैसे क्लास में कई बार सवाल करते हैं, मैंने पूछा कि भैया O2 जो है, O2 क्या है, O2 एक एलिमेंट है या एक कंपाउंड है, कई बार पूछते हैं। तो अक्सर बच्चे जो बोल देते हैं सर O2 जो है वो ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है। कंपाउंड नहीं है, O2 जो है वो एक एलिमेंट है, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो एटम्स है वो कैसे सिमिलर है, दोनों के दोनों एटम सिमिलर है। तो सिमिलर एटम से जो भी बनता है उसको हम बेसिकली एलिमेंट कंसिडर करते हैं। ये इसके साथ ही एक मॉलिक्यूल भी है। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है दो या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में कंबाइन करने से या एटम्स के आपस में जुड़ने से जो बनता है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, कंपाउंड जो होता है उसमें सर डिफरेंट टाइप के एटम्स रहते हैं, बिल्कुल वो भी मॉलिक्यूल हो सकता है। मॉलिक्यूल में है ना सेम तरीके के एटम भी होते हैं, डिफरेंट तरीके के एटम भी होते हैं। अगर मॉलिक्यूल के सारे एटम सिमिलर है तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और अगर एक मॉलिक्यूल के अलग अलग एटम्स है उसमें तो उसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कार्बन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, तो मिलकर जो है वो CO2 बना लिया। अब CO2 इज ए कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ओके, बट O2 इज ए एलिमेंट, ये ध्यान में रखना। जैसे P4 हो गया, S8 हो गया, इन सबको हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए सर, कि अगर O2 मेरे पास में है, जी सर O2 है, ओके, अगर मेरे पास में O2 है तो क्या O2 और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज, O2 वही प्रॉपर्टी शो करेगा जो एक नॉर्मल ऑक्सीजन करता है? जी सर, ये आप जो इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे समझे कि जैसे एक H2 है, एक O2 है, एक अपने पास जो क्या बना H2O बना, मान लो दोनों मिलकर जो है वो H2O बना लिए, ठीक है, तो अगर पानी पीते हैं तो पानी पर कहीं पर आपको ऐसा पता चलता है कि इसमें हाइड्रोजन अपन पी रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन अपन पी रहे हैं, कहीं पता चलता है ऐसा नहीं चलता। इसका मतलब ये कि एक कंपाउंड जो होता है ना, एक कंपाउंड या एक जो मॉलिक्यूल होता है कोई भी, तो उस मॉलिक्यूल की जो भी प्रॉपर्टीज है ना वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसके अलावा देखो कि पानी को जो है वो आपको कभी ऐसे फील हुआ है कि भैया पानी को अपन सर बॉइल करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। पानी को छान कर अपन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग कर दे, नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है तो वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। और एक मॉलिक्यूल के जितने भी अपने पास कंपाउंड के जितने भी कंपोनेंट होते हैं इनको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। तो अभी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, शायद क्वेश्चन जो है वो अपना इसी से रिलेट करता है। पहला स्टेटमेंट है मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। देखो कंपाउंड की बात कर रहा है ना, तो कंपाउंड की बात कर रहा है तो बिल्कुल भैया एक
कंपाउंड का जो भी मॉलिक्यूल होगा ना उसमें अलग अलग तरीके के तत्व अपने पास होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सही है, इसने पूछा असत्य कौन सा है, तो सेकंड वाला बोल रहा है कंपाउंड कैन नॉट सेपरेट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, छानना हो गया, जैसे बाय सिंपल बॉइलिंग हो गया या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या नॉर्मल डिस्टिलेशन हो गया, तो इन मेथड से अपन इनको सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये भी सही है, अपना आंसर ये नहीं है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है। थर्ड वन इज ए कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स, ये वही बात है जो अभी आपने पूछी, ये चीज गलत है ना, तो ये नहीं होता है। लास्ट जो स्टेटमेंट है उसको भी देख लेते हैं कि द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज फिक्स्ड, बिल्कुल ये तो जो है वो निश्चित अनुपात का निश्चित संघटन का जो प्राउट ने दिया था सर, याद करें पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, ये तो वही है ना, तो इसमें जो केवल और केवल थर्ड वाला जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन कौन सा जाएगा सर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 120 म्यू, ठीक है, when 1 amu is defined as 1 by 18th part by weight of an atom of C12 on the same scale, atomic weight of another element y is 72, which of the following statement regarding x and y is true, मतलब सर ये कहना चाह रहा है कि एक अगर एलिमेंट x है और उसका एटॉमिक वेट जो है वो 120 amu ले रहा है, लेकिन वो उस कंडीशन पे ले रहा है जब कार्बन जो होता है वो 1/18th पार्ट है, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल लेते हैं जो स्केल होता है, कि नॉर्मल जो स्केल है वो 1/12 लेते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि जब 1/18 है तब उसका वेट एटॉमिक ये 120 है, और उसी स्केल के ऊपर एक दूसरा एलिमेंट है जिसका इन्होंने एटॉमिक वेट दिया है 72 म्यू, तो x एंड y से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग, बिल्कुल सर ये क्वेश्चन जो है वो उसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्केल के बारे में बता देता हूं, जो एटॉमिक स्केल है उसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चनों में कई बार दिक्कत आती है, ये अपन अक्सर माइनर में भी डालते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन जो है, तो उनमें भी जो है बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो एटॉमिक स्केल जो है ना, मॉडर्न जो अपने पास एटॉमिक जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास को हम सर रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों सर, कार्बन से रिलेट कर रखा है, बिल्कुल सर, क्योंकि हमने एटॉमिक मास को जो है ना वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे किसी ना किसी तरीके से कार्बन से रिलेट किया हुआ है। अब सर ये कार्बन से रिलेट कैसे करते हैं, तो इसमें हम ये बोलते हैं कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास कार्बन 12 का एक एटम है, दिस इज कार्बन 12, ठीक है, इसके आपको करने हैं सर 12 हिस्से, आप इसको 12 हिस्सों में तोड़ दो, एलोजी मैंने तोड़ दिया, ठीक है, तो सर ये इसका कौन सा पार्ट हो गया, ये इसका 12th पार्ट हो गया, 12वां हिस्सा हो गया, ठीक है, तो ये इसका 12वां हिस्सा है, ठीक है, तो अब रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास आपको ये बताता है कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है, कि हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12, ठीक है, 1/12 बोल दो या फिर 12th पार्ट बोल दे, वो जो है वो 1/12 बोलेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 12th पार्ट बोलेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, तो ये अपने पास जो है वो ओवरऑल कांसेप्ट होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन का जो है वो कितना होता है सर, 16 amu होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये होगा ना कि ऑक्सीजन का जो एक एटम है वो कार्बन 12 के इस 12वें हिस्से से, इस 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है, 16 गुना भारी, तो ये इसका मतलब होता है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का 14 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन का एक एटम इस 12वें हिस्से से 14 गुना भारी है, ठीक है ना, तो अब आपको जो है ना मतलब ये है कि मॉडर्न जो पीरियोडिक मॉडर्न जो एटॉमिक मास का स्केल है ना वो हम लेते हैं कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, ठीक है सर। अब देखो क्वेश्चन जो है ना वो आपको ये बोल रहा है कि भैया कोई एलिमेंट है एक्स और उसका एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, और 120 का वजह जब उसको जो है 1/18, इसने बोला कि नहीं नहीं आपको जो 12th पार्ट के साथ कंपेयर करना, आपको 18th पार्ट के साथ कंपेयर करना, स्केल ही चेंज, हां स्केल चेंज कर दिया इसने, तो भैया देखो इसको सॉल्व करने का तरीका आपके पास ये रहेगा, आप अजम्पशन लो कि 160 जो है वो उसका आपने क्या ले रखा है भैया, क्यों सर 160 ही दिया था, 120 दिया था, तो 120 जो है वो आपने एटॉमिक मास दिया है, 120 कौन से स्केल पर है सर, 1/18th स्केल पर, ठीक है, तो इसका मैं मीनिंग लिखता हूं, देखना एक एक लाइन में काम हो जाएगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि भैया 18th पार्ट से कितने गुना भारी है, 120 गुना भारी, 18वें भाग से अगर अपन 18वें भाग से कंपेयर करते हैं तो 120 गुना भारी होगा, यही मतलब होगा, और अगर मैं उसके फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करूं तो कितना गुना भारी हो जाएगा, 120/18, क्यों सर,
तो अपन नॉर्मल जो स्केल होता है उसमें 12वें भाग से कंपेयर करते हैं, तो 12वें भाग से कंपेयर करोगे, 12th ऑफ पार्ट से कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा भैया 120/18 × 12। तो यही अपने पास जो है वो, अगर जो परंपरागत तरीका है वो अपना जो नॉर्मल स्केल है अगर उस पर आप निकालोगे तो ये अपने पास क्या आएगा, एटॉमिक मास आएगा, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, तो ये जो है वो कितना आएगा 80। यानी कि परंपरागत पैमाने पर उसका जो है वो एटॉमिक मास कितना आएगा सर, 80 आएगा। सिंपल सर, मैंने लास्ट क्लास में भी शायद बोला था कि मतलब मोल कंसेप्ट मतलब एक बढ़िया का दिमाग, बस वही है, वही लगाया अपन, बिल्कुल वही लगाया कि अगर मैं इस तरीके से सोच लूं कि जब 18 हिस्से मेरे पास में है, जब 18 हिस्से है तब उस एलिमेंट का वेट कितना है 120, तो जब 12वां हिस्सा होगा, मतलब ये मैं कार्बन के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, तो जब 12वां हिस्सा है तो एक्स होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, बिल्कुल बिल्कुल यही करना है अपन को, ठीक है। तो सिंपल सा काम, अब कई बार जो है ना इसमें क्या है, बच्चे अक्सर जो है वो क्या करते हैं इसमें फॉर्मूले वो उलझ कर रह जाते हैं कि एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ एटम अपॉन 1/12, तो फॉर्मूले में उलझ कर नहीं रहना, आप जो कंसेप्ट को पकड़ लो, बस एकदम सिंपल सा एक एक नियम से आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखो अब स्टेटमेंट की बात अपन कर लेते हैं, तो पहला जो है वो आपको बोल रहा है ऑन कन्वेंशनल स्केल एटॉमिक वेट ऑफ एक्स इज 80, क्या मेरी बात सही, आपने अभी भी सॉल्व किया, ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट जो है ए अपना क्या है करेक्ट है। सेकंड बोल रहा है ऑन कन्वेंशनल स्केल एटॉमिक वेट इज y इज 108, देखो जरा कि x का तो जो है वो 80 अपन ने निकाला, फिर कोई y भी है जिसका जो है वो कितना है ऑलरेडी 72 है, इसका निकाल लेते हैं, अभी चेक करते हैं। तो देखो सर आप 18th पार्ट से जो कितना 72 है, तो एक पार्ट से कितना हो गया अगेन 72/18, तो 12th ऑफ पार्ट से कितना हो जाएगा सर 72/18 × 12, तो ये हो गया भैया कितना, ये लो जी, ठीक है, ये अपने पास जो वो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, लगभग ये आ गया सर, ये अपने पास आ गया कितना 48 आ गया। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या सही बोल रहा है क्या, सेकंड स्टेटमेंट मेरे ख्याल से सही नहीं बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये 108 नहीं होगा, तो फर्स्ट सही है। थर्ड वाला देखिएगा सर क्या बोल रहा है, ऑन ए स्केल व्हेन 1 म्यू इज डिफाइंड टू बी, अब उसने फिर स्केल चेंज कर दी, अब वो 1/30 कह रहा है, 1/30 ऑफ कार्बन 12 एटॉमिक वेट ऑफ एक्स इज 200। देखो आपको जो है वो ये बोल रहा है कि ऑन द स्केल व्हेन 1 u is defined to be, कि मान लो भैया 1/18 की जगह 1/30 है या 1/12 की जगह 1/30 है, तो उस केस में जो है वो एटॉमिक वेट ऑफ x का जो है वो 200 होगा। चेक करते हैं, देखो तो भैया देखो जरा कि अब आपको बोल रहा है कि कितना दे दिया स्केल जो है वो 1/30 कर दिया है, स्केल जो है वो अपने पास 1/30 है, x का पहले कितना था सर 18वें पर, पहले 18वें पर जो है वो 18 से कंपेयर करते हैं, तो भैया अपने पास कौन सा आता है 120, तो 1 से कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा 120/18, तो आप 30 से कंपेयर करना है, 30वें हिस्से के साथ कंपेयर कर दो तो कितना आएगा, 30वें हिस्से के साथ कंपेयर करेंगे तो 120/18 × 30 क्यों सर, ठीक है, तो ये आएगा 10, ये कितना 6, ये 2, बिल्कुल सर कितना आ रहा है 200 आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी अपना क्या है सही है, तो इसका मतलब ये हो गया कौन कौन सा सही हो गया सर, एक तो ए सही हो गया, बी गलत हो गया, सी सही है, सही है, डी वाला भी सेम है, अब इसमें वापस से स्केल चेंज कर दिया 1/15 भाग के साथ कंपेयर कर दिया, ठीक है, तो सर आप करेंगे बिल्कुल ठीक सर, मैं अपने तरीके से देखता हूं इसको, बिल्कुल सर जो अभी आपने तरीका बताया था दूसरा, नेक्स्ट पेज, हां सर यहां पे हमें ऑलरेडी जो दे रखा है कि जब कार्बन का 18वां हिस्सा हम लोग ले रहे हैं, 18 पार्ट ले रहे हैं, तो मुझे y का जो वेट है वो 72 दे रखा है, ठीक है, 18 का तो 72, अब कह रहा है कि जब 15 होगा तो कितना होगा उसका भी मान लेते हैं, हां x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, कैसे भी हम लोग x की अगर वैल्यू निकाले यहां पे, x की अगर मैं वैल्यू निकालूं यहां पे तो 72 × 15/18 हो जाएगा, ठीक है सर, और सर इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, तो सर अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास में आएगा 60। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, क्वेश्चन जो है बोल रहा है 90, तो इसका मतलब ये सर गलत हो गया बिल्कुल, इसका मतलब ए सही और सी सही, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करें, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, और आज के बाद में ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो जैसा हमने तरीका बताया आप वो तरीका लगा के जो है वो मात्र 10 सेकंड में आंसर, कोई भी तरीका आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट कोड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है, तो आपको जो है वो सर ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में खूब किया, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 0.88 ग्राम CO2 अगर मुझे दे रखा है
तो मतलब ये कितने के इक्वल मोल को मोल के इक्वल करना है या मॉलिक्यूल के इक्वल करना है। तो सबसे पहले देखो पिछली क्लास में मैंने आपको एक हिंट दिया था मोल कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, कहीं भी कैसी भी क्वेश्चन में आप अगर अटक जाओ तो एक बार मोल की कैलकुलेशन कर लेना, कुछ भी दिया हो कुछ भी पूछा हो आप मोल कैलकुलेट करो। एक एक लाइन में लिखना चाहता हूं, ठीक है सर, मोल से रिलेटेड। नेक्स्ट सर जी कि सिंपल सा केवल यही ध्यान रखो कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर, अगर मुझसे लीटर में पूछे पार्टिकल पूछे तो 6.023 × 10³ पार्टिकल, और अगर वेट की रिगार्डिंग पूछा है तो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, बस सब कुछ सब मोल कांसेप्ट इसी का, पूरा मोल कांसेप्ट इसी का एप्लीकेशन है। बस यहां एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना, ये जो कंडीशन है ये केवल और केवल एसटीपी के ऊपर, ठीक है, या ज्यादा ही हुआ तो एनटीपी पर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन उससे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने पास जो है वो क्वेश्चन ये है, तो अपन चेक करते हैं मोल निकालते हैं। 88 ग्राम ऑफ CO2 अगर दे रखा है तो एक CO2 का वेट 44 होता है, ठीक है, 88 का दो मोल, तो मोल जो है वो अपने पास गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे, दो मोल आ गया, ठीक है, दो मोल। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो मैच कर रहा है बिल्कुल 6.023 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स। ये जो है वो अपने पास Na तो है और वो Na का मतलब एक मोल होता है, एक मोल, तो यहाँ पर एक मोल आपको दे दिया, तो आप एक मोल जो है वो यहाँ पे मैं 22.4 लीटर नहीं ले सकता, केवल गैस के लिए, गैस के लिए देना होता है, तो इसलिए मैं ठीक है यहाँ पे एक मोल से रिलेटेड ये है तो मैं इसका 5 लिख सकता हूं, B का 5, यानी A में जो है वो अपने पास कौन सा हो गया 1, B में हो गया कौन सा 5.6 लीटर ऑफ O2। अब अगेन वो अच्छा सर अगर कंडीशन नहीं दे रखी तो अपन तो एनटीपी एसटीपी मानेंगे, मानना पड़ेगा फिर, ठीक है, तो यहां पर मोल निकालूंगा तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 कर दूं सर, इसको सॉल्व करो तो ये 1/4 1/4 0.25, इसका मतलब इसमें जो है वो अपने पास कौन सा आ जाएगा थर्ड 96 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, एक O2 का 32 ग्राम तो 96 मतलब 3 मोल हो गए, तो n इक्वल टू गिवन मास अपॉन 32 यानी कि 3 मोल, 3 मोल है क्या, बिल्कुल भैया, चौथा जो है वो यहां पर मैच कर रहा 1 मोल ऑफ एनी गैस, अब मुझे गैस के साथ गैस डिफाइन किया है तो फिर ठीक है 1 मोल मतलब 22.4 लीटर ले सकते। अब एक चीज जो है वो क्लियर कर देता हूं, यहां एनी गैस लिखा है तो कोई भी गैस हो अगर जब तक वो उसको रियल या आइडियल, रियल जब तक मेंशन नहीं करे ना उसको आइडियल ही मानना, ठीक है, तो रियल जब भी देगा ना तो क्वेश्चन में मेंशन होगा, अगर मेंशन नहीं है तो हम तो आइडियल मान के चलेंगे, तो ये आइडियल की बात कर रहा है और आइडियली वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर होता है, तो ऐसा कोई कोड जो है वो आपको सेलेक्ट करना, आप थर्ड वाले को चेक करो जरा, बिल्कुल ये मैच कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, ए सैंपल ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड इन प्योर ऑक्सीजन एंड यील्ड 13.2 ग्राम ऑफ CO2 एंड 5.4 ग्राम ऑफ H2, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात हमने पिछले पार्ट में भी करी, बिल्कुल बिल्कुल, कि जो सिंपल रेशियो होता है जिसमें एटम्स का उसी को हम क्या बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है, तो अपने पास मान लो कोई भी हाइड्रोकार्बन, मान लो CHHY टाइप का हाइड्रोकार्बन, अगर मैं इसको क्या करूंगा सर ऑक्सीजन के साथ जलाऊंगा तो मेरे पास X तो CO2 के मॉलिक्यूल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, और Y जो है वो मेरे पास H2O के मॉलिक्यूल बनेंगे क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, तो यहाँ पर Y/2। अच्छा ऑक्सीजन को बैलेंस करें या ना करें, या चाहो तो आप कर भी सकते हो लेकिन इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो रहने दे, ठीक है। अब देखना एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एटम्स का रेशियो चाहिए, क्यों सर, मोल्स ऑफ कार्बन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये चाहिए, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिएगा कि कार्बन जो है CO2 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है 13.2 ग्राम CO2 बन रहा है, वाटर के बारे में इन्फॉर्मेशन है 5.4 ग्राम वाटर बन रहा है, सबसे पहले मैं मोल निकाल लेता हूं, तो मोल जो है वो निकालने का तरीका अभी अपन ने देखा था क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्यों सर, बिल्कुल ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये अपने पास आ जाएगा 0.3, ठीक है, और ऐसे ही यहां पर मोल निकालूंगा तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना 18, तो अगेन जो है वो ये कितना आएगा सर 0.3। अब देखना जरा आप यहाँ से क्लियरली देख रहे हो कि मेरे पास अगर एक मोल CO2 है तो कार्बन का भी एक ही मोल होगा, बिल्कुल कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मोल्स ऑफ कार्बन कितने आए सर 0.3 आ गया, मोल्स ऑफ कार्बन 0.3 0.3 आ गया, ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना चाहूँ तो आप देखो जरा कि जितने मोल H2O के होंगे हाइड्रोजन के मोल उससे डबल होंगे, तो H2O के मोल आए 0.3, तो यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए सर 0.6 आ गया, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए 0.6, और मुझे ये चाहिए था, बिल्कुल। अब अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, ठीक है, तो मैं 0.3 है, ये 0.6 है, इसको मैं C1 लिख सकता हूँ, ये CH2, जो भी इनमें से स्मॉलेस्ट है उसको दोनों से डिवाइड करते हैं, तरीका तो ये होता है, लेकिन साफ दिख रहा है CH2 आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
at HTP 5.6 liter of gas weighs 60 gram. The vapor density of the gas is. ठीक है. मतलब HTP भी जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि अभी 5.6 लीटर उसका वेट दे रखा है. वेट मतलब 5.6 लीटर दे रखा है तो उसका वेट 60 ग्राम है. तो अगर 22.4 लीटर लेता हूं तो वो एक मोल के वेट के इक्वल हो जाएगा. तो मेरे पास में मोलर मास आ जाएगा. ठीक है. और मोलर मास से मैं वेपर डेंसिटी निकाल लूंगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. सर क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा अपन वेपर डेंसिटी को समझ लेते हैं. तो वेपर डेंसिटी जो है ना वो क्या होती है सर? रिलेटिव डेंसिटी होती है. हां, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है. और किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में. ठीक है. और क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो हम किसी भी गैस के लिए पीएम बाई आरटी से बताते हैं. बिल्कुल. और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जब निकालेंगे तो वेपर डेंसिटी डायरेक्टली जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा सर? मोलर मास अपॉन मोलर मास ऑफ एच टू. बिल्कुल. ठीक है. पी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, टेंपरेचर प्रेशर दोनों गैसों का सेम होगा. ठीक है. तो वेपर डेंसिटी ये आता है अपने पास. अब देखिएगा सिंपल सा काम. 5.6 लीटर का मतलब हो गया 1/4 का मास. 1/4 मोल का मास कितना है? 60. तो एक का हो जाएगा कितना? 240. यही अपने पास क्या आ गया? मोलर मास आ गया. और मोलर मास का आधा. बिल्कुल. कितना हो गया? 120. तो ये अपने पास क्या आ गई भाई? वेपर डेंसिटी आ गई. तो ये है क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैफीन हैज ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194. कैफीन का मॉलिक्यूलर मास हमें 194 दे रखा है. इफ इट कंटेन्स 28.9% बाई मास ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मोल ऑफ कैफीन इज. ठीक है सर. मतलब अगर मैं ऐसे मान लूं कि मेरे पास में 100 ग्राम है तो 100 ग्राम में नाइट्रोजन 28.9 हुआ. बिल्कुल होगा. तो 194 में मैं नाइट्रोजन का मास निकाल देता हूं और जो मास निकलेगा उससे मैं नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम निकाल देता हूं. ऐसे कर देते हैं या एक और तरीका अपन देख सकते हैं यहां पर. वो जो आपने बताया बस उसी को जो है मैं क्या करूंगा, एक लैंग्वेज में फिरो दूंगा. तो आप जो है वो देखोगे कि आंसर आ जाएगा. देखना जरा कि जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे वाटर है, मुझे किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं नीचे तो लूंगा टोटल मोलर मास. ऊपर जैसे मान लो हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना, तो टोटल मोलर मास में से हाइड्रोजन कितना है वो चेक कर लेते हैं. तो दो होगा. हाँ, एटम जो है, जैसे मान लो एक एटम है तो एक का मास एक, तो दो का मास दो, मल्टीप्लाई बाई 100. यही करते हैं परसेंटेज निकालने. इस क्वेश्चन में आपको यही करना है. देखिएगा सर कि आपको जो है ना ये दे रखा है कि टोटल मोलर मास कितना है, 194 है. ठीक है. अब अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको निकालना है तो नाइट्रोजन के अगर एटॉमिक मास की बात करें तो ये 14. मान लो उसमें x एटम्स, तो टोटल मास नाइट्रोजन कितना हो गया? 14x मल्टीप्लाई बाय 100. और ये परसेंटेज कितना आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 28.9 आना चाहिए. और यहां से x में सॉल्व करूंगा तो ये x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी सर? 4 निकल के. बिल्कुल. तो आंसर जो है वो फर्स्ट अपना करेक्ट है. क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा. द डीकंपोजिशन ऑफ ए सर्टेन मास ऑफ CaCO3, CaCO3 को हम लोग डीकंपोज कर रहे हैं, गिव 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2. डेसीमीटर क्यूब मतलब कि 1 लीटर हो गया ऑफ CO2 गैस एट HTP. द मास ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द गैस इज. तो मतलब सबसे पहले तो सर हम लोग CaCO3 की अगर इक्वेशन लिखे तो वो CaO + CO2 बनाएगा. बिल्कुल सर. CaCO3 सॉलिड होता है. बिल्कुल. इसको जब अपन हीट करेंगे तो ये CaO सॉलिड और ये CO2 गैस बनाएगा. अब ये जो गैस है CO2 गैस, उसको KOH के साथ में रिएक्शन करा दिया. CO2 दो KOH के मोल आ जाएंगे तो अपने पास जो K2CO3 बन जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल जो है वो आते हैं साथ में, जो वाटर वाह, ये अपने पास जो रिएक्शन. अब हमें दे रखा है सर कि जो CO2 बन रही है वो 11.2 लीटर का मतलब सर आधा मोल हो गया. बिल्कुल. हाफ मोल हो गया. आधा मोल हो गया. ठीक है. तो आगे पूछा कि KOH का कितना मास मुझे चाहिए. तो इसका आधा मोल के लिए पहले चेक कर लेते हैं इसके कितने मोल चाहिए. एक मोल चाहिए क्योंकि जस्ट इसके एक मोल के लिए इसके दो मोल चाहिए. तो इसके आधे मोल के लिए इसके एक मोल. तो 1 मोल KOH का मास निकालना सर जो कि अपने 56 ग्राम के आसपास है. ठीक है. 56 तो ये 56 ग्राम हो गया. तो सीधा सा काम है. स्टोइकोमेट्री का क्वेश्चन था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बिल्कुल. क्वेश्चन नंबर 8. 40 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ C2H2 एंड CO. मतलब C2H2 और CO का एक मिश्रण मुझे दे रखा है जो 40 ml. ठीक है. ठीक है. इज मिक्स्ड विद 100 ml ऑफ O2 गैस एंड द मिक्सचर इज एक्सप्लोडेड. मतलब 100 ml O2 के साथ में रिएक्शन करवा के वो रिएक्शन एक्सप्लोडेटरी कंबशन टाइप कंबशन की रिएक्शन दहन की अभिक्रिया होगी. द रेसिड्यूअल गैसेस ऑक्युपाई 104 ml. मतलब जो कुछ जो भी बचे हैं जितने भी गैसेस हैं सबका आयतन 104 ml. एंड व्हेन दीज आर पास्ड थ्रू KOH सॉल्यूशन द वॉल्यूम बिकम्स 48 ml.
KOH अभी हमने बात करी थी, CO2 को absorb करने का काम करता है KOH जो है वो, basically कहीं पर भी किसी question में लिखा है कि KOH में से pass करवाया तो वो CO2 को absorb करने का काम करता है, और K2CO3 solid बन जाएगा, हाँ मतलब उतना volume जो कैसे देता है, तो CO2 के बराबर का जो volume होगा ना वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा एक तरीके से मतलब वो मुझे indirectly CO2 का volume भी दे रहा है, ठीक है। The volume of C2H2 and CO in the original mixture is मतलब इस 40 ml में आपको ये पूछा है कि C2H2 कितना होगा, CO कितना होगा, ठीक है, बिल्कुल यही पूछा। तो सर कैसे करेंगे, क्या करें? देखो सर अगर हम लोग बहुत सिंपल सा करें, एक काम करते हैं हम लोग कि इसको मान लेते हैं हम लोग x, ठीक है, C2H2 मान लेते हैं 40 में ये x हो गया, ये y हो गया, x plus y अपने पास 40 हो गया, ठीक है। और एक हम लोग जो है CO2 का यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वहां से मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, मतलब CO2 का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ठीक है, 104 माइनस 48, ठीक है, तो मतलब मेरे पास में ये 56 ml आ जाएगा। अच्छा CO2 का आयतन, तो ये पूरा ओवरऑल मेरे पास CO2 का आयतन आ गया। जैसे मैं इक्वेशन लिखता हूं यहां पे कि C2H2 plus O2 के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो ये बनाएगा 2CO2, ठीक है सर, प्लस H2O बनाएगा, ऑक्सीजन को अगर मैं बैलेंस करूं यहां पे तो ये आ जाएगा 5/2, ठीक है, तो 5/2 आ गया। ऐसे ही मैं CO को रिएक्शन कर रहा हूं तो हाफ O2 के साथ में रिएक्शन कर रहा हूं, CO2 बनेगा, ये मेरे पास में CO2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो सर ये जो है मैंने माना कि x plus y मतलब इन दोनों का जो सम है वो मेरे पास में 40 है, बिल्कुल है। और यहां पे मेरे पास में अगर मैं इसका x ले रहा हूं तो CO2 मेरे पास में 2x बनेगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री ये कहती है कि इसके 1 मोल से उसका 2 मोल बनेगा, तो इसके x से इसका 2x बनेगा। एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि जो वॉल्यूम होता है उसको आप मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, कि जैसे 40 ml दिया तो आप इसको 40 मोल मान के चलो, क्यों, इसका क्योंकि अनुपात भी रेशियो, हाँ, आयतन का अनुपात हो चाहे मोलों की संख्या का अनुपात हो चाहे मोल भिन्न का अनुपात हो चाहे पार्शियल प्रेशर का अनुपात हो, ये सारे रेशियो इक्वली होते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए जो भी आयतन है उसको आप मोल की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है सर। ऐसे ही जो CO है वो मैंने y मान रखा है, तो अगर मैंने ये y ml लिया या y मोल लिया तो ये मुझे CO2 कितना मिलेगा, y मिलेगा, मुझे ये पता है कि 2x plus plus y जो ये 56 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो है वो CO2 का आयतन कितना है, 56 है, 104 माइनस 48 मान से किया, और ये दो इक्वेशन हो गई मेरे पास, दो इक्वेशन है, दो अननोन चीजें हैं, तो यहां से जो है वो अपने पास दोनों चीजें x की वैल्यू आ गई यहां पे सर, x की वैल्यू 16 आ गई, जो बचा हुआ है वो 40 में से माइनस मतलब 24 आ गया, 24, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर 8, उम्मीद करते हैं कांसेप्ट आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। तो पहला आपको दे रखा है 10 ग्राम CaCO3 डीकंपोजिशन पर, रिएक्शन क्या होती है सबको पता है कि CaCO3 जब टूटता है तो CaO और CO2 बनेगा, और इधर जो है वो आपको CO2 के बारे में ही इंफॉर्मेशन पूछ रखी है, ठीक है, जगह CO2, तो 10 ग्राम का मतलब मोल कितने आ गए सर, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितने, 0.1, आप वहां पर स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग देख पा रहे हो कि 1 मोल CaCO3 है तो उससे 1 मोल CO2 बनता है, बिल्कुल बनेगा, और 1 मोल CO2 का STP वॉल्यूम 22.4, तो 0.1 का कितना हो जाएगा 2.24 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें जो है वो फोर्थ वाला मैच कर रहा है। 1.06 ग्राम Na2CO3 एक्सेस HCl, HCl के साथ जब रिएक्शन करवाते एसिड बेस रिएक्शन है एक तरीके से, तो अपने पास NaCl बन जाएगा, H2O बन जाएगा और CO2 बन जाएगा, तो मैं तो सबसे पहले मोल निकालूंगा, तो मोल जो है वो मेरे पास आ जाएगा कितना, इसका मोलर मास 106 होता है, 0.01, ठीक है, तो 1 मोल Na2CO3 से 1 मोल CO2 बन रहा है तो 0.01 से 0.01 बनेगा, और जैसा कि अभी अपन ने देखा 1 मोल का आयतन 22.4 तो 0.01 का कितना हो जाएगा 0.224 लीटर हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें पहला मैच करेगा, बिल्कुल। 2.4 ग्राम कार्बन और एक्सेस ऑफ CO2 और O2 के साथ कंबशन करवाओगे तो क्या बनेगा सर, वापस से 1 मोल CO2 बनेगा 1 मोल कार्बन से, तो मोल निकाल लेता हूं, मोल निकालूंगा तो भैया क्या आएगा 2.4/12, ठीक है, तो कितना मोल आ जाएगा सर अपने पास इस बार 0.2 मोल आ जाएगा, और 0.2 मोल का मतलब कितना आयतन हो गया 22.4 × 0.2 यानी कि 4.48 लीटर, तो बेसिकली जो है वो अपने पास यहां पर आ जाएगा, सेकंड वाला मैच कर रहा है। और फिर लास्ट वाला है 0.5 ग्राम ऑफ CO, तो CO को जब आप O2 के साथ रिएक्शन करवाओगे कंबशन करवाओगे तो अपने पास वापस से CO2 ही बनेगा, तो 0.5 ग्राम का मतलब कितना हो गया सर 0.56 डिवाइड कर दो इसको CO के मोलर मास से कितना 28 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 0.02 × 22.4 कर दो क्योंकि 1 मोल CO से 1 मोल CO2 बनता है, तो कितना आ जाएगा सर 0.0 0.448
तो इसका मतलब थर्ड वाला इसमें मैच करेगा, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल भैया, 4, 1, 2, 3 पहला वाला मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो सीधा सा स्टोइकोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्लोरीन रिएक्ट्स विद F2 अबाउट 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म ClF3, मतलब क्लोरीन की और फ्लोरीन की रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन आपको दे रखी है। If the equal number of moles of Cl2 and F2 are combined, the maximum number of moles of ClF3 that can be formed. मतलब अगर Cl2 को और F2 के equal mole ले रहा हूँ, तो ClF3 के कितने mole बने? तो पहले वो limiting reagent अपन को check करना पड़ेगा, ठीक है? तो reaction अपने पास कुछ यू है, Cl2 gas plus 3F2 gas is converting into 2ClF3. इक्वल मोल्स ले रहे हैं, मतलब अपन इनके दोनों के तीन तीन मोल ले लेते हैं, दोनों के तीन तीन ले लेते हैं, या ए ले लेते हैं, या एक एक मोल भी ले सकते हैं, कुछ को ले सकते हैं। मान लो एक एक मोल मैंने ले लिया, ये जीरो हो जाए इनिशियली, ठीक है? फिर जो है वो देखो जरा, अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट चेक करूंगा तो क्या तरीका था सर? गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो यहां पर जो है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहां पर कितना है 3 है, जो भी कम आता है वो लिमिटिंग रिएजेंट, तो अपना फ्लोरीन जो है वो यहां पर कम है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। बिल्कुल, तो देखो कि 3 से जो है अपने पास 2 बन रहा है, तो 1 से कितने बनेंगे सर? 2/3, तो अपने पास जो इसके मोल कितने हैं? 1 मोल है, ठीक है? तो इसका मतलब 2/3 बनेंगे। मतलब ये है कि अब देखो इसने क्या बोल रखा है कि भैया ClF3 के अधिकतम उत्पन्न मोल किसके बराबर होंगे? तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्लोरीन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 से 2 बन, ये हो सकता था अगर 3 से 3 बनते तो, ठीक है? तो फिर ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन, ये दुगना मेरे को दिख नहीं रहा, ये एक लिया है वो 2/3, और वैसे भी लिमिटिंग रिएजेंट ये, तो उससे ले लेंगे, इस पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा। 2/3 of the number of moles of fluorine, बिल्कुल भैया, इसका अगर आपने एक लिया है तो उसका 2/3 बन रहा है, बिल्कुल ये वाला अपने पास सही है, limiting reagent और stoichiometry दोनों को शामिल करके मिलाकर पूछा गया क्वेश्चन है। Next question देखते हैं, question number 11, आपको बोल रहा है कि a solution is, मतलब एक solution है भैया 100 ml 0.5 normal NaOH को मिलाया है, 10 ml 3 normal H2SO4 और 20 ml 1 normal HCl को मिलाया है, तो the solution is कैसा होगा सर? बिल्कुल वही, मतलब एक तो एसिड हो गया, एक बेस हो गया, तो हम लोग एसिड के मोल्स या इक्विवेलेंट्स निकाल लेते हैं और बेस के निकाल लेते हैं, देख लेते हैं दोनों कौन किसके ज्यादा है, भैया एसिड और बेस को जब भी आप मिलाओगे ना तो रिएक्शन तो होकर रहेगी, न्यूट्रलाइजेशन होकर रहेगा, और न्यूट्रलाइजेशन होगा तो दोनों एक दूसरे को खत्म करेंगे, लास्ट में बचेगा वही जिसके टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होगा, वही बिल्कुल जो जीता हुआ सिकंदर। तो यहाँ पर जो है वो अपने पास क्या हो जाएगा 0.5 नॉर्मल, देखो ग्राम तुल्यांक निकालने का तरीका यहाँ पर नॉर्मल गुणा आयतन, बिल्कुल अगर आयतन ml में लेते हो तो मिलीग्राम तुल्यांक आ जाता है, आप ग्राम तुल्यांक निकालो चाहे मिलीग्राम तुल्यांक निकालो कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है? बस तो उसी के हिसाब से हम लोग, बिल्कुल सर बिल्कुल, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 50 NaOH का या 50 मिली इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट, फिर H2SO4 का निकालता हूं तो ये देखो जरा नॉर्मल था दिया 3 × 10, तो 30 तो आया किसका? H2SO4 का, और फिर यहां पर चेक करूंगा तो इसका आ जाएगा 1 × 20 तो 20 आ जाएगा इसका, तो टोटल एसिड के कितने मिलीग्राम तुल्यांक हो गए 50, टोटल बेस के भी 50, तो ये तो दोनों जो है दोनों ही क्या हो जाएंगे बराबर होंगे, तो कैंसिल हो गए, तो सॉल्यूशन ओवरऑल कैसा आएगा? न्यूट्रल आएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12। In an experiment, 4 gram of M2OX oxide was reduced to 2.8 gram of metal. If the atomic mass of metal is this, then the number of oxygen atoms in the oxide is. मतलब सर अगर मुझे ये दे रखा है कि M2OX है, ठीक है सर, इससे जो मेटल बना रहा हूं मैं, जो मेरे पास में 2m बनेगा उसका मुझे वेट दे रखा है, मतलब अगर ये 4 ग्राम है तो ये मेरे पास में हो गया 2.8 ग्राम दे रखा है, जो भी मेरे पास में O2 बनेगी X जो भी है, मतलब X तो वो डिफरेंस जो भी है वो डिफरेंस O2 के बराबर 0.2 ग्राम, ठीक है ना? If the atomic mass of metal is 56, the number of oxygen atom in the oxide is, मतलब अगर बहुत सिंपल तरीके से करें, आपको x की वैल्यू पूछी है, वैलेंसी फैक्टर पूछा है, बिल्कुल इसको इक्विवेलेंट मास से अपन सॉल्व कर सकते हैं सर, ये डायरेक्ट मतलब यहां से इक्वेशन से भी कर सकते हैं, इक्वेशन से भी कर सकते हैं, सिंपल की अगर इक्विवेलेंट मास से भी कर सकते हैं कि 2.8 ग्राम है ये मेटल, ये मेरे पास में 1.2 ग्राम है, मोल निकाल लेते हैं, तो ये जो है मुझे दे रखा है कि इसका मास कितना है 56, तो 2m का कितना हो जाएगा 56 × 2 ग्राम, ठीक है? ये मेरे पास में x ग्राम हो गया, यहाँ से मैं अगर x को निकाल लूँ कैलकुलेट करूँ तो सर ये मेरे पास में हो जाएगा 56 × 2 × 1.2 / 2.8, ठीक है सर? और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो सर ये मेरे पास में आएगा लगभग 48
ठीक है, तो x और मुझे पता है कि एक ऑक्सीजन जो होता है, एक ऑक्सीजन का वेट 16 होता है, 48 बाय 16 3 आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। एक और अगर आप इक्विवेलेंट मास इसको समझना चाहो तो इसको ऐसे करेंगे, देखो इक्विवेलेंट मास होता क्या है, किसी भी एलिमेंट का वो मास जो ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो 2.8 ग्राम इसके कितने के साथ जुड़ रहा है, 1.2 के साथ, है ना। तो 1.2 के साथ जुड़ रहा है कितना, 2.8, तो 1 के साथ कितना जुड़ेगा, 2.8 बटे 1.2, बिल्कुल 8 ग्राम के साथ जितना जुड़ेगा वही इक्विवेलेंट मास होगा, 2.8 बटे 1.2 गुणा 8, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया कितना, 3, तो ये हो गया 56/3, ये इक्विवेलेंट मास आ गया मेटल का। और आप क्लियरली देख रहे हो, आपको बोल रहा है कि इसका जो है वो एटॉमिक मास कितना है मेटल का, 56। और इक्विवेलेंट मास इक्वल टू होता क्या सर, कैसे निकालते हैं, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इसका वैलेंसी फैक्टर आप देखो मेटल का कितना है, एक्स ही तो है, बिल्कुल, तो साफ दिख रहा है वैलेंस फैक्टर कितना होगा, 3, यानी x इक्वल टू 3। किधर से भी दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, वही बात बढ़िया वाला दिमाग, ठीक है, वही 48 यहां पे ऑक्सीजन का वेट निकला था 48/16, ठीक है, कैसे निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोल रहा है 0.45 ग्राम ऑफ डाई बेसिक एसिड, ठीक है भैया, डाई बेसिक एसिड मतलब वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर 2 है, मान लो H2A है तो ये 2 रिलीज करेगा, तो वैलेंसी फैक्टर इसका कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। Required 200 ml of 0.05 normal NaOH, यानी इसकी रिएक्शन आपको बेसिकली करवानी किसके साथ, NaOH के साथ। रिएक्शन हमें आए या ना आए, आपको रिएक्शन आए या ना आए कोई मतलब नहीं है, एक चीज बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होने, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करने, ये चीज अंडरस्टूड होती है हमेशा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं क्या सर कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2A इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, बस। अब देखो आपको ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट मोलर मास या मोलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, किसका मोलर मास पूछा है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो इसके लिए मोल कैसे निकालूं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, m मान लेता हूं, वैलेंसी फैक्टर इसका 2 हो गया। NaOH के बारे में इंफॉर्मेशन में नॉर्मलिटी और वॉल्यूम आपको दिया है, तो इस केस में नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन यहां एक चीज का ध्यान रखेंगे, ml में दे रखा है मुझे, यहां वॉल्यूम ml में दे रखा है, तो इसको लीटर में बदलना पड़ेगा। अगर आप दोनों तरफ क्या करते हो, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम करते हो, तब बदलने की जरूरत नहीं, वो कैंसिल हो जाता है, ml ml कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक तरफ मोल दे रखा है और दूसरी तरफ आपने नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लिया है, तो भैया इस केस में आपको जो है वॉल्यूम लीटर में, लीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। यहां से m निकालना, तो m की वैल्यू आ जाएगी कितनी सर, 90 आ जाएगी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, H3PO4 plus 2NaOH gives Na2HPO4 plus twice H2O in this reaction the equivalent weight of H3PO4, मतलब सर सिंपल सा है, अगर अच्छा मुझे अगर ये इक्वेशन नहीं दी हुई होती और केवल H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट पूछता तो मुझे पता होता कि H3PO4 3H निकाल सकता है, 3H इसमें से रिलीज हो सकते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल, तो मैं वैलेंसी फैक्टर 3 ले लेता, मैक्सिमम वैलेंसी फैक्टर इसका 3 होता है, बोल ले, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई कर दिया, रिएक्शन दे दिए, बिल्कुल, अब रिएक्शन में आपको चेक करना पड़ेगा उस रिएक्शन में कितने रिलीज कर रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसमें देखो 2N ने दे रखे, इसका मतलब इसने यहाँ तक 2H प्लस रिलीज किए होंगे, तो वैलेंसीलेंट में 2 है, निकालने का तरीका मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर, तो मोलर मास इसका होता है 98, वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 2, 49 49 अपने पास आंसर आएगा, सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कांसेप्ट जो है सारे रिवाइज होने चाहिए, ये अपनी गुरु नीति है कि हर एक कांसेप्ट रिवाइज होगा, पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, भले सिंपल हो या हार्ड हो, हर टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.126 ग्राम ऑफ एन एसिड रिक्वायर्स 20 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड का इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है, तो वही काम करते हैं अपन, तो ग्राम तुल्यांक इक्वल करते थे, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो बस, ठीक है, कांसेप्ट यही है इसका। तो देखो जरा कि 0.126, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका अभी मैंने आपको बताया था क्या, एक तो था मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, दूसरा मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड, और दूसरी तरफ आपको क्या दे रखा है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH, सर बिल्कुल सर, तो इसके लिए मोल जो है वो कितने, 0.126 अपॉन इक्विवेलेंट वेट जो है वो आपसे पूछा है। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का जो कई तरीके होते हैं अपने पास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास भी अपन कर सकते हैं, तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, क्योंकि इतना करने की जरूरत ही नहीं है अपन, फिर अपन वैलेंसी फैक्टर देखेंगे, तो वैलेंसी फैक्टर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये तो एसिड के बारे में, नॉर्मलिटी 0.1 इनटू 20 बाय वापस से 1000 लगाना ही पड़ेगा, अगर यहाँ पर आप ml लगाओगे तो मिली इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट नहीं आएगी, तो सीधा सा काम है, इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास निकल के आएगा 63, तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास निकल के आ गया कितना भैया, 63
तो ये अपने पास अभी है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। If 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4, ठीक है, the maximum number of mole of Ba3PO4 that can be formed. Again, simple सी reaction लिख लेते हैं, stoichiometry से related सीधा सीधा question. तो अपन को शायद limiting reagent भी check करना पड़ जाए. बिल्कुल. BaCl2 plus Na3PO4, तो ion exchange reaction होगी, barium phosphate बनेगा अपने पास. बिल्कुल बनेगा. तो Ba, ये अपने पास आ जाएगा Ba3. PO4 का होल ट्वाइस, होल ट्वाइस, और साथ में क्या बनेगा? 3NaCl. रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, तो यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, तो वहाँ 6 लगाना पड़ेगा, 6 लगाना, यहाँ पर इसको 2 लगाना पड़ेगा. ये रिएक्शन ओवरऑल अपने पास आई. ठीक है, सिंपल से अगर हम बोले कि इसका 3 मोल इसके 2 मोल के साथ इसका 1 मोल, ठीक है, तो अब सबसे पहले तो अपन को जो दिया है इसका 0.5 दिया है, इसका जो है 0.2 दिया है, तो लिमिटिंग रिएजेंट तो चेक करना पड़ेगा अपन. साफ साफ भी दिख रहे सर कि अगर 3 और ये 2 है, अगर 0.5/3, ये 0.2/2, ये आएगा 0.1, ये 0.1 से ज्यादा ही आएगा. ठीक है, तो वैसे भी इसका 2.2 है, तो मतलब इसका 0.3 काम में आएगा, वो ज्यादा हो गया, तो ये अपना लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. बिल्कुल, 2 से इसका 1 बनता है, तो 0.2 से इसका 0.1 बनेगा. लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट है, तो सीधा सा काम है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, 3 मोलर सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हैज डेंसिटी दे रखी है 1.11 ग्राम पर सीसी. सीसी क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब. अच्छा, 1 ml होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml. द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, ओहो मोलैरिटी पूछी है, देखो मोलैरिटी देखिए, मोलैरिटी पूछनी है, ठीक है, मोलैरिटी पूछी है और गिवन क्या है, मोलैरिटी. तो आप जो है ना इसका मीनिंग लिख लो. एक तो आता है डायरेक्टली फॉर्मूला, लेकिन सर फॉर्मूला कई बार जो याद नहीं रहता, अपन कांसेप्ट की बात करते हैं. फिजिकल इतना सिंपल सब्जेक्ट है कि डायरेक्ट दिमाग लगाओ कि कितने फॉर्मूले रटेंगे, कितने फॉर्मूले रटेंगे फिजिकल में. तो वो यहां पर तो कांसेप्ट की बात करेंगे. तो कांसेप्ट देखो, अपने पास ऐसा है कि आपको ये दिया 3 मोलर सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है 3 मोल हो गए मेरे पास, 3 मोल्स ऑफ NaOH ओके इज डिसॉल्वड इन 1000 ग्राम H2. और वैसे मैं H2 की जब बात कर ही रहा हूं, तो H2 तो मतलब वही होता है मेरे पास में 1 ग्राम डेंसिटी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, खुद H2 होगी प्योर H2 की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. ठीक है, तो ये अपने पास आ गया. अब देखो आप कि मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्या सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट दिस शुड बी इन लीटर, लीटर में होना चाहिए. मोल आ गए कितने, 3 मोल आ चुके, तो 3 मोल आ चुके, बस मेरे को वॉल्यूम का जुगाड़ करना है. बिल्कुल, अब वॉल्यूम का जुगाड़ करने के लिए आपको डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, तो अगर आप कैसे भी करके सॉल्यूशन का मास निकाल लो, तो अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, तो मुझे मास, तो देखो जरा 1 मोल NaOH का मास कितना होता है, 40, तो 3 का 120, तो इसका मतलब अपने पास मास ऑफ सॉल्यूशन जो आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा सर, 1000 प्लस 120, ये अपने पास आ जाएगा 1000 मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. बिल्कुल, तो ये अपने पास आ गया कितना, 1120 ग्राम आ गया. तो आप वॉल्यूम निकाल लेते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. बिल्कुल सर, पास में, ठीक है, तो यहां से वॉल्यूम निकाल लेंगे हम लोग, मास बाय डेंसिटी डायरेक्टली वहीं पे रख देते हैं, तो डायरेक्टली यहीं रख देते हैं, तो ये अपने पास 3 आ गया, मास जो है कितना 1120, डेंसिटी जो है वो दे दी 1.1. लेकिन भैया देखो ये अगेन जो है वो आपने किसमें लिया, एमएल में लिया, तो लीटर में बदलूंगा तो या तो पॉइंट लगा दो यहाँ पर या ऊपर हजार लगा दो. सही बात है, तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास जो वो निकल के आएगा 2.9732. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट. तो आपको जो है वो कोई फॉर्मूला वगैरह रटने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा दो, बिल्कुल आंसर आ जाएगा. मोल कंसेप्ट में जो है ना यही काम. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. द क्लोराइड ऑफ ए मेटल M कंटेन 65.5% ऑफ क्लोरीन, ठीक है, ठीक है, 100 ml of the vapor of the chloride of metal at STP weighs 0.72 gram. The molecular formula of the metal chloride is. ठीक है. तो अगर मतलब सर सिंपल सी बात करें तो उसने हमें एक तरीके से ये बोला है कि 100 ml अगर मैं उस metal chloride का ले रहा हूँ STP पर, तो उसका weight है 0.72 gram. तो एक काम करते हैं molar mass निकाल लेते हैं. बिल्कुल, मैं ये ही करने जा रहा हूँ कि 22400 ml अगर मैंने लिया तो इसका molar mass आ जाएगा मेरे पास में. ठीक है. तो मोलर मास हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद में मुझे ये पता है कि इसका जो परसेंटेज मुझे दे रखा है तो मैं वो निकाल लूंगा. ठीक तो है. अगर मैं x को देखूं तो x मेरे पास में हो जाएगा सर यहाँ पे 0.72 मल्टीप्लाइड बाय 2224, ठीक है, डिवाइड बाय 100. ठीक है, ये आगे सॉल्व करूँ तो सर ये हो जाएगा मेरे पास में 161.28. ठीक है,
ये मेरे पास है मोलर मास आ गया। बिल्कुल सर। और मोलर मास से अब देखो मुझे क्या, आपको बोल रहा है कि इसमें से 65.5% क्लोरीन है, मतलब अगर मेरे पास में 100 है हाँ, तो 100 में 65.5% क्लोरीन है, 65.5 ठीक है, 65.5। तो हम ये चेक कर लेते हैं 161.28 में कितना होगा। बिल्कुल होगा, ये यही करने जा रहे हैं, 161.28 में मेरे पास में YML क्लोरीन आ जाएगा। यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं निकालूं तो Y का वेट आ जाएगा मेरे पास 105.5 के आसपास। मतलब कुल मिला के जो है आपको ये दे रखा है कि 65.5% क्लोरीन है, कि अगर 100 ग्राम होता तो 1 ग्राम होता तो कितना हो गया। तो अब मेरे पास है कितना, 101.28, तो उसमें कितना क्लोरीन है ये हमने निकाले तो 105.5 के आसपास आया। यानी कि टोटल जो भी मोलर मास है उसमें 105.5 जो है वो क्या है, क्लोरीन है। एक क्लोरीन का होता है सर 35.5, तो अब इसको 35.5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये पता चल जाएगा कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन के बराबर है ये लगभग। तो इसका मतलब फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया, NCl। इस क्वेश्चन को आप जो अभी क्वेश्चन नंबर 12 अपन ने किया था ठीक उस कंसेप्ट से भी कर सकते हो, इक्विवेलेंट वेट वाला, तो उस कंसेप्ट से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको खुद को ट्राई करना है, मैं यहाँ पर उसको डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा। 0.15 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.12 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड बाय केरियस मेथड। सर ये केरियस मेथड हो गया, डूमा मेथड हो गया, या जेल्डोल मेथड हो गया, इनसे अक्सर लोगों को एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड है, तो केरियस मेथड से जो सिल्वर ब्रोमाइड मिल रहा है, द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड विल बी, ठीक है। देखो जरा कि आपको मिला क्या, आपको AgBr मिला, ठीक है। AgBr का मास कितना है, 0.12, ठीक है। तो AgBr का मोलर मास होता है भैया 188 AgBr, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूं, देखो 188 में Br कितना है, 80 ग्राम, है ना। तो मैं ये निकाल लेता हूं 0.12 में Br कितना है, तो भैया मास ऑफ Br इन 0.12 ग्राम AgBr, तो ये निकालने के लिए देखो 188 ग्राम में 80 है, तो 80/188 गुणा 0.12, ये मेरे पास Br का मास आ गया, Br का मास। लेकिन आपको तो ये पूछा है कि यौगिक में ब्रोमीन की प्रतिशतता कितनी है, तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन करने के लिए आपको नीचे तो टोटल मास रखना पड़ेगा इसका कंपाउंड का, तो ये है 0.15 और इसमें से ब्रोमीन है कितना, 80 × 0.12 / 188 × 100, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 34.04%, ठीक है। ये अपने पास केरियस मेथड का, केरियस मेथड डुमास मेथड जो है वो अपने पिछली क्लास में पिछले पार्ट में भी कुछ क्वेश्चंस पर रिलेटेड जो है वो किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ए क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 49.5% क्लोरीन, मतलब कोई मेटल का क्लोराइड बना हुआ है तो उसमें क्लोरीन इतना है। तो मैं यहां पे एक चीज और क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले मेरे माइंड में ये स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि अगर इतना क्लोरीन है तो मतलब मेरे पास 50.5% जो मेटल है, ठीक है। The specific heat of the element, केवल element की बात कर रहा है, मतलब उस metal की बात कर रहा है, उसका मुझे specific heat दे रखा है 0.056 kilocalorie per gram, और valency of element पूछी है। मैं पहले थोड़ा सा आपको specific heat के बारे में बता देता हूँ। तो specific heat क्या होती है कि किसी भी substance का mass, किसी भी substance के 1 gram का temperature, 1 kelvin बढ़ाने के लिए जितनी heat की जरूरत होती है, जितनी heat required होती है, उसको हम specific heat बोलते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं ड्यूलॉन्ग पेटिट नियम एंड पेटिट्स नियम ने ही स्पेसिफिक हीट और एटॉमिक वेट को रिलेट किया था। तो वो अपने पास होता है कि भैया ड्यूलॉन्ग पेटिट बोलता है कि एटॉमिक वेट, ठीक है, ये अपने पास होता है कितना, 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, और ये कैलोरी पर ग्राम में, हमेशा कैलोरी पर ग्राम में, ठीक है। मतलब यहां पे अगर मैं रखूं 6.4 डिवाइड बाय 0.056 दे रखा है, तो ये अपने पास आ जाएगा 114 के आसपास आएगा, 114.28 ये एटॉमिक वेट आ गया, एटॉमिक वेट आ गया, ठीक है, उस एलिमेंट का, ओके। और अगर मैं देखूं कि मुझे वो जो एलिमेंट है उसका परसेंटेज दे रखा है 50.5, हाँ, कि ये जो है ये 50.5 जो है क्लोरीन के साथ में 49.5 क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर 114.28 हुआ, 114.28 है, तो ये कितना क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो वही जो है जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे अगर मैं x को कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास में 112 आ जाएगा लगभग, बिल्कुल। और इसको जो डिवाइड कर देंगे 35.5 से, ऐसा कांसेप्ट अपन कर चुके हैं, लगभग मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर ही दूं 112
को 35.5, क्योंकि मैंने क्लोरीन का जो वेट निकाला है एक 3 के आसपास आ रहा है, तो 3.15 है, लेकिन क्योंकि डेसिमल में तो आ नहीं सकता। और वैसे भी ड्यूलॉन्ग और पेटिट का नियम जो है ना, वो हम इसीलिए काम में लेते हैं ताकि हम किसी भी एलिमेंट का एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकाल सके। तो ये अप्रोक्सीमेट ही आता है, ठीक है? वैलेंसी जो है वो अपने पास 3 आई, ठीक है? तो ये है भैया आज की गुरु नीति। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन जो है वो आपने अच्छे से देखे होंगे, सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। और अगली क्लास में अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन। तब तक के लिए धन्यवाद, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, तब तक पढ़ते रहो, देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।